आप लोगों के सोशल सर्कल में एक ऐसा इंसान ज़रूर होगा जिसको इंटरप्ट करने की आदत होगी, बात को आधा सुनना और अपनी राय फौरन पेश कर देने की आदत सबसे बुरी है कम्युनिकेशन के लिए। एक अच्छी कम्युनिकेशन में इंटरप्शन की बहुत कम गुंजाइश होती है। आपका वो दोस्त कौन है मुझे नहीं पता, पर मेरी कम्युनिटी में या मेरे सोशल सर्कल में अनफॉर्चुनेटली वो इंसान मैं खुद हूँ। इसीलिए मैंने अपनी इंटरप्शन की इस बैड हैबिट को ख़ुद कंट्रोल करना है, और ये तीन टिप्स जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो ज़रूर मुझ जैसे कई और लोगों को हेल्प करेगी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कार्पेडियम की इस न्यू वीडियो में आपका खुशामदीद। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अगला इंसान कम्युनिकेट सही तरीके से ना कर पा रहा हो, उल्टा इंटरप्ट कर रहा हो आपको? आपका कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त ज़रूर होता होगा जो आपकी बात को मुकम्मल होने से पहले ही अपनी बात आगे से कर देता होगा, और ऐसे दोस्त को हम कितना भी समझाने की कोशिश करें वो समझता नहीं है। इनफैक्ट वो इसमें भी इंटरप्ट करता रहता है, बहस करता रहता है, और उसको समझाना मुश्किल हो जाता है। ये भी मुमकिन है कि आपके सोशल सर्कल में वो इंसान आप खुद हों, जैसे कि मैं। मेरे कई दोस्तों ने पिन पॉइंट किया है कि मैं कम्युनिकेशन के दौरान इंटरप्ट बहुत करता हूँ, दूसरे की बात मुकम्मल होने से पहले ही मैं अपना रिप्लाई आगे से पेश कर देता हूँ। अब इससे होता यह है कि अगर सामने वाला कोई सेंसिबल बात भी कर रहा होता है मैं उसे टोक देता हूँ, मैं उसे बीच में ही रोक देता हूँ, और अक्सर वो कम्युनिकेशन मिस कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है। आपकी ये हैबिट शायद आपके दोस्तों में चल जाए, शायद आपके दोस्त इतना माइंड ना करें, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आकर अगर आपकी ये हैबिट किसी ना किसी तरीके से आपकी प्रोग्रेस में एक ऑब्स्टिकल बन रही है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन होती हैं कि आप किस तरीके के इंसान हैं, इसलिए इस बुरी हैबिट से जान छुड़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे खुद को थी, इसलिए मुझे इससे पीछा छुड़ाना है किसी भी सूरत में। रिसर्च करने के बाद ये तीन टिप्स मुझे सबसे अच्छी लगी हैं, जिसमें नंबर वन पे है कम्युनिकेट टू लिसन नॉट टू रिप्लाई। इस टिप में आपने करना ये है कि आप जब भी किसी से कोई बात करें उसकी बात को मुकम्मल होने दें। मुझे पता है कि उसकी बात के मुकम्मल होने से पहले ही आपको ये खुजली शुरू हो जाएगी कि यार बस मैं किसी तरीके से बोल दूँ, किसी तरीके से जो मेरे दिमाग में जो अल्फाज आ रहे हैं, जो मेरे मुंह पे जो अल्फाज आ रहे हैं मैं बस बोल दूँ, किसी तरीके से बस कुछ ना कुछ करके इंटरप्ट कर दूँ। सबसे पहले तो उस पर कंट्रोल करना है आपने। इस पर कंट्रोल करने के बाद आपने सामने वाले की पूरी बात को समझना है, सुनना है, और जब आप उसको मुकम्मल तौर पर सुन लेंगे, समझ लेंगे, आपकी ये अर्ज खुद ही खुद ख़त्म हो जाएगी। अक्सर औकात हमारी ये इंटरप्ट करने की अर्ज इस वजह से होती है क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड हो रहे होते हैं। सामने वालों को लग रहा होता है कि हमें ये बुरी आदत सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम अच्छे कम्युनिकेटर्स नहीं हैं। ऐसा नहीं है, हो सकता है जो बात हम कहने वाले हैं एक्चुअली पॉइंट वही हो, सेंसिबल बात वही हो, लेकिन इंटरप्शन करने की ये आदत अगर पक्की हो जाए तो ये सेंसिबल कम्युनिकेशंस को डिस्ट्रॉय कर देती है। टिप नंबर टू है मेडिटेशन की। जो लोग मेडिटेशन से वाकिफ़ हैं उनको ब्रीदिंग की इंपॉर्टेंस का पता होगा। सांस गहरी लेना, सांस गहरी छोड़ना, सांस पे कंट्रोल पाना, ये अपने आप में एक स्किल है। जब आप किसी दूसरे से कम्युनिकेट करें, सामने वाले से कम्युनिकेट करते हुए आपको ये अर्ज क्रिएट होगी कि आप किसी भी तरीके से बस उसको इंटरप्ट कर दें, तब आप गहरी सांस लेना शुरू करें। उससे होगा ये कि आपको सोचने का वक्त मिलेगा, और इवेंचुअली जब आप गहरी सांस लेने पर फोकस करेंगे तो आपके मुँह से अदा होने वाले अल्फाज पर खुद कंट्रोल पैदा हो जाएगा। आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये कंट्रोल कैसे पैदा हो रहा है, बट इट वर्क्स। आई ट्राइड दिस एंड इट वर्कड। कल रात ही मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, मुझे ये अर्ज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही थी कि बस वो लोग जो कह रहे हैं ना मैं उसमें अपनी बात जल्दी से कहूँ, बिकॉज आई हैड सम पॉइंट्स टू मेक। बट इस ब्रीदिंग टेक्निक से कुछ हद तक मैंने अपनी इस अर्ज पे काबू पाया, और मज़ीद इसको प्रैक्टिस करूँगा सो इवेंचुअली मैं इस बुरी हैबिट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकता हूँ। टिप नंबर थ्री है रिपीटिंग स्टेटमेंट्स की। आपके सामने वाला इंसान जो कुछ भी कह रहा है, इफ़ ही इज़ मेकिंग सेंस, अगर वो काम की बात कर रहा है तो आप उसकी उसी बात को दोहरा दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अक्सर सुना होगा कि जब हमसे कोई कुछ बात कहे तो हम कहते हैं कि अच्छा तो आप ये बात कहना चाह रहे हैं, और हम अपना जुमला आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आप खुद एक्नॉलेज कर रहे होंगे कि आप सामने वाले की बात सुन रहे थे, समझ रहे थे, और अब आपका आने वाला जवाब या आपका आने वाला रिप्लाई ये वाज़े तौर पर बताएगा कि आप कितने एक्टिव लिसनर हैं। सामने वाले को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी। डोंट ओवर डू दिस थिंग, मतलब इसको भी लिमिटेड रखना है कि बार बार आपने ये चीज़ नहीं करनी,
लेकिन अपनी कम्युनिकेशन में हर थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर आप ये करेंगे तो आपकी लिसनिंग पावर खुद ही बढ़ जाएगी और आपकी ये बार बार बीच में टोकने की आदत कंट्रोल होगी। वीडियो एंड करने से पहले एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि ये इंटरप्शन कभी कभी ज़रूरी भी हो जाती है। मान लीजिए कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो पॉइंट से बहुत दूर हट रही है, यानी कि ऑफ ट्रैक बात जा रही है, तो कभी कभी आपको इंटरप्ट करना होगा सामने वाले बंदे को वापस ट्रैक पे लाने के लिए। लेकिन ये रेयर केसेस हैं, इसलिए इसको आदत ना बनने दें। अपनी कम्युनिकेशन को इंटरप्शन फ्री रखें, सामने वाले को मौका दें कि वो भी बोल सके, और उसके बोलने के बाद आपकी बारी इवेंचुअली आनी है तो अपनी बात भी सामने रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको इससे कुछ भी फ़ायदा पहुँचा तो आप YouTube चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम का एड्रेस भी नीचे आ रहा होगा तो ज़रूर फॉलो करें। और आपके जो भी ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है इंटरप्शन की, या वो आपकी बात को कम्प्लीट ही नहीं होने देते, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्या पता वो चेंज हो जाएं। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।